विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने विहिप गोरक्ष प्रांत समिति की बैठक में कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्य का आधार सत्संग एवं बजरंग दल के कार्य का आधार साप्ताहिक मिलन केंद्र है। अतः सभी कार्यकर्ताओं को अपनी प्रेरणा से अपने रहने वाले से प्रखंड में अवश्य संपर्क शुरू करना चाहिए। इसके अलावा विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद ने गीता प्रेस के कार्यों का अवलोकन किया तथा गीता प्रेस के ट्रस्टी दीनदयाल अग्रवाल के साथ चर्चा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा, गीता प्रेस के वहाँ जाने का प्रसंग जो है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री केंद्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद परांडे जी अमेरिका के एक सेमिनार में गीता प्रेस के और कार्यक्रमों से अभिभूत होकर के प्रसन्न होकर के इधर के प्रवास में जब उनका आना हुआ तो उन्हें वह बात अमेरिका के अंदर कैसे गीता प्रेस ने अपना प्रसंग रखा था, लगभग 99 वर्ष होने जा रहे हैं 98 वर्ष गीता प्रेस के स्थापना के, देश के अंदर एक में एक ऐसा प्रेस है कि जो हिंदुओं के लिए भारतीय संस्कृति की शिक्षा संस्कार और उसके साहित्य के लिए गीता प्रेस ने जो 98 वर्ष से सतत प्रयास किया है, उस भाव को जो है भी माननीय मिलिंद जी ने यहाँ आने के बाद इच्छा जाहिर किया। उनके ट्रस्टी और उनके जो प्रन्यासी हैं उन लोगों से बात करके आज वहाँ जाना होगा। उसी क्रम में माननीय मिलिंद जी, माननीय क्षेत्र संगठन मंत्री, हम सभी प्रांत के कार्यकर्ता वहाँ गए। उन्होंने जो है बहुत विस्तार से जो है गीता प्रेस के और पहली मशीन भी उन्होंने दिखाया, बहुत छोटी सी मशीन जो है, और वहाँ से लेकर के आज ऑटोमेटिक सारा साहित्य का प्रकाशन का जो उनका कार्य है उसको उन्होंने दिखाया। वही आज का जो है वहाँ जाने का कारण, गीता वाटिका जो है कल जाने के पूर्व तक वहाँ भी जाने का, वहाँ के कैंसर अस्पताल, वहाँ के गौशाला ऐसे देखने का माननीय मिलिंद जी का इच्छा है। नहीं, हम तो ये मानते हैं कि गीता प्रेस और वहाँ के कार्यकर्ता ट्रस्टी
हिंदू धर्म संस्कृति हिंदू समाज के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। अपने धर्म ग्रंथों का प्रचार, उसका छापना, उसका मुद्रण भारत के सभी भाषाओं में और इतने कम कीमत में और इतने अच्छी गुणवत्ता में जो वो देते, यह समाज की और धर्म की बहुत बड़ी सेवा है। अभी 2018 में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस शिकागो अमेरिका में हुई थी, तो 60 देशों के बहुत बड़े बड़े प्रमुख हिंदू उसमें एकत्र आए थे। मैं भी उस कार्यक्रम में था, अपने ही लोगों ने उसका आयोजन किया था। तो उस कार्यक्रम में गीता प्रेस का सत्कार किया गया, उनका अभिनंदन किया गया एक विश्व मंच के ऊपर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में। और वो इसीलिए किया गया कि उन्होंने जो गीता, श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार किया है और सामान्य समाज तक अपने धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद सब कुछ लेकर गए, ये बहुत बड़ी सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हो रही है। अभी तो यह प्रवास एक संगठनात्मक प्रवास है, इसे कार्यकर्ताओं से मिलना ऐसा ही मुख्य विषय है। अभी विश्व हिंदू परिषद को 2024 में 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो हमारे कार्य का विस्तार कैसे हो, विश्व हिंदू परिषद के कार्य का प्रभाव कैसे बढ़े, हिंदू समाज के सामने की जो चुनौतियां हैं, ईसाई मिशनरियों की है, धर्मांतरण की है, गोहत्या की है, इस्लामिक आतंकवाद की है, जो इस्लामिक हिंसा देश भर में बढ़ रही है उसकी है, तो ये सारी बातों के लिए हिंदू समाज की सिद्धता कैसी होनी चाहिए, हिंदू समाज ने कैसे सोचना चाहिए, इसके लिए, इस जागरण के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयास करती है। और दूसरी बात है ना, हिंदू समाज में जो गरीब तबका है, सामान्य कमजोर तबका है, तो उसके उत्थान के लिए विविध सेवा कार्य कैसे खड़े हो, ये प्रयत्न हम करते हैं। बहुत सारी हिंदू विरोधी शक्तियाँ हिंदू समाज को विभाजित कर उसको आपस में लड़ाने का प्रयत्न कर रही है, और इसलिए हिंदू समाज में जो एकात्मता का भाव है वो प्रबल हो, सामाजिक समरसता बढ़े, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद कार्य करती है। मंदिरों के ऊपर सरकारी कब्जा है, वह दूर हो। हमारे मंदिर समाज के लिए अनंत काल से बहुत बड़े शक्ति के केंद्र रहे हैं, तो पुनः मंदिरों का वही योगदान समाज में धर्म की रक्षा के लिए बढ़े और सरकारी कब्जों से वो मुक्त हो, इसके लिए भी हम प्रयत्न करते हैं। तो ये सारी कामों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ आना हुआ है।